हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों? दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नॉइस कंपनी के न्यूली लॉन्च ट्रू वायरलेस ईयरबड्स, जो कि भाई नॉइस कंपनी ने कल ही लॉन्च करे हैं। वैसे नॉइस कंपनी ने ना कल अपने दो प्रोडक्ट लॉन्च करे हैं, एक अपनी स्मार्ट वॉच जिसके बारे में मैंने वीडियो बना दी और डाल भी दी अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप चेक कर सकते हो, लिंक भी दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। भाई काफी बढ़िया स्मार्ट वॉच है, नॉइस कलर फिट प्रो 3 असिस्ट करके स्मार्ट वॉच है भाई। काफी अमेजिंग फीचर है, काफी अमेजिंग स्मार्ट वॉच है। और अभी हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं नॉइस के ये ईयरबड्स हैं, जो कि है नॉइस बड्स VS103 करके। तो भाई ये भी काफी अमेजिंग है, मतलब इसका जो प्राइस सेगमेंट है ना वो है 1499, मतलब 1500 की रेंज में आपको ये काफी बढ़िया ईयरबड्स मिलते हैं, काफी ज्यादा बढ़िया। तो कंपनी ने ना इससे पहले VS101, 102 करके लॉन्च किए, तो इस बार VS103 लॉन्च कर दिया। और आपको ना ये दो कलर में देखने के लिए मिल जाते हैं, एक व्हाइट एंड एक आपको ब्लैक कलर में, तो काफी अमेजिंग बात है। देन करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं इन ईयरबड्स के बारे में, फीचर वगैरह जानते हैं क्या क्या इसमें आपको फीचर मिलते हैं। तो आपको ना कुछ ऐसा बॉक्स मिलेगा, बॉक्स के ऊपर एक्चुअल इमेज, कंपनी की ब्रांडिंग, साइड में आपको डिजाइन इन इंडिया लिखा हुआ मिलेगा। तो भाई डिजाइन इन इंडिया, हम भारत देश के वासी हैं भाई, काफी ज्यादा प्राउड फील होता है, काफी ज्यादा बढ़िया लगता है जब कोई भी चीज पे डिजाइन इन इंडिया या मेड इन इंडिया लिखा होता है, तो मुझे भाई काफी ज्यादा अच्छा लगता है। एंड आपको पीछे की साइड कुछ फीचर वगैरह मिलते हैं, जैसे कि इसके जो ईयरबड्स होने वाले हैं फुल्ली टच कंट्रोल होने वाले हैं, आपको इसमें बैटरी बैकअप 18 घंटे का मिलने वाला है, IPX5 की इसमें आपको रेटिंग मिलने वाली है, तो काफी अमेजिंग इसमें फीचर होने वाले हैं जो कि हम बात करेंगे इस वीडियो में। देन अब बात करते हैं इस स्मार्ट वॉच के बॉक्स में आपको सबसे पहले क्या मिलता है। तो देखो ना, आपको इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स मिलता है, सबसे पहले तो भाई ये चीज मिलती है। देन उसके बाद आपको एक वेलकम कार्ड मिलता है, उसी के पीछे आपको वारंटी मिल जाती है। देन उसके बाद आपको एक पेयर एंड अनपेयर वाला एक आपको कार्ड मिलता है, जिसके थ्रू आपको पेयरिंग का कुछ सिस्टम आपको समझ आई, वो सब चीज उसमें लिखी हुई है। देन उसी के नीचे आपको एक यूजर मैनुअल मिल जाता है, देन फिर आपको कुछ स्टिकर्स वगैरह मिल जाते हैं। देन उसके नीचे रखा हुआ हमारा ये ईयरबड्स का केस, जो कि फुल्ली पॉलिथिन में भाई कवर्ड है। तो अभी बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि इसके अंदर आपको एक और छोटा सा बॉक्स मिलता है, उसके अंदर इसकी एसेसरीज वगैरह रखी होंगी शायद। तो देखो इस बॉक्स के अंदर ना आपको छोटे से के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलती हैं, जो आप अपने कान के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। एक आपको USB टाइप सी की आपको केबल मिलती है, तो ये सब चीज आपको इसके बॉक्स में मिलती है। देन दोस्तों अब बात करते हैं ईयरबड्स के केस के बारे में। भाई लुक एंड डिजाइन के मामले में काफी ज्यादा अमेजिंग है ये। छोटा सा साइज है, कॉम्पैक्ट साइज, आप हाथ में पकड़ो ऐसे करके पकड़ सकते हो, आप इसको अपनी पॉकेट में लेके कैरी कर सकते हो काफी इजी तरीके से। तो ये चीज भाई काफी ज्यादा अमेजिंग लगी। और ये ना आपको ब्लैक कलर में मिलता है मैट फिनिश के साथ, तो आपके फिंगरप्रिंट के निशान वगैरह भी इस पर काफी कम आएंगे। बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है, और इसकी जो लिड है ना, लिड भाई वो काफी अमेजिंग, मतलब इसमें मैग्नेट जो लगी हुई है वो काफी ज्यादा पावरफुल लगी हुई है। आप इसको चाहे टेढ़ा करो या मेढ़ा करो, मतलब इसके ईयरबड्स जो है निकलने वाले नहीं है, तो ये चीज काफी ज्यादा अमेजिंग है। देन बात कर रहे हैं हम इस केस के बारे में, तो जान लेते हैं इसका कुछ ओवरव्यू। जैसे कि देखो, आपको सामने की साइड नॉइस कंपनी की आपको ब्रांडिंग मिलती है, उसके नीचे आपको एक LED लाइट का इंडिकेशन मिलता है जो बैटरी वगैरह शो कराता है। देन आपको पीछे की साइड भी आपको नॉइस कंपनी की ब्रांडिंग मिलती है, और इसके नीचे की साइड आपको चार्जिंग पोर्ट का सपोर्ट मिलता है, तो ये चीज काफी अमेजिंग है। देखो चार्जिंग पोर्ट का सपोर्ट आपको चार्ज तो भाई करना पड़ेगा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। और लुक एंड डिजाइन के मामले में केस भाई काफी ज्यादा अमेजिंग है। देन दोस्तों अब बात करते हैं ईयरबड्स के बारे में। तो देखो आपको ना केस में ईयरबड्स के ऐसे कुछ रखे हुए मिल जाते हैं, और ये ईयरबड्स जो है ना, ये इन ईयर टाइप के ईयरबड्स आपको मिल जाते हैं। इसका लुक एंड डिजाइन की बात करें काफी अमेजिंग है, काफी प्यारा सा इसका लुक है और काफी प्यारा सा इसका डिजाइन है। और ये भी आपको मैट फिनिश के साथ मिल जाते हैं, ब्लैक कलर है, मैट फिनिश के साथ मिलते हैं, काफी बढ़िया। उंगलियों के निशान भी आपको काफी कम इस पे दिखाई देंगे। देन अब बात करें इसके कुछ ओवरव्यू की, तो जैसे कि देखो आपको पीछे की साइड फुल्ली टच कंट्रोल का सिस्टम मिलता है, जहां जो कंपनी का लोगो है, कंपनी की ब्रांडिंग जो दे रखी है, वहां पे आपको टच कंट्रोल मिलता है, जो कि काफी सही है, जिसके थ्रू आप म्यूजिक वगैरह और भी चीजें आप कर पाओगे, मतलब इस पूरे ईयरबड्स के फीचर वगैरह आप उससे कंट्रोल कर पाओगे, तो ये चीज काफी बढ़िया है। और आपको ना इस पर लेफ्ट एंड राइट की आपको मार्किंग मिल जाती है, नीचे की साइड आपको चार्जिंग पोर्ट के पॉइंट मिल जाते हैं, और वहीं पे आपको माइक्रोफोन भी मिलता है, तो ये सब चीज मिलती है आपको इन ईयरबड्स में। लुक एंड डिजाइन भाई काफी ज्यादा अमेजिंग है, केस का भी और ईयरबड का भी। देन दोस्तों अब बात कर लेते हैं ईयरबड्स के कुछ फीचर वगैरह के बारे में। जैसे कि इसमें आपको 10mm के आपको ड्राइवर मिलते हैं, तो काफी अमेजिंग बात है। और पीछे जो थे ना 101, 102 करके, उनमें 8 और 6mm के ड्राइवर थे, बट इसमें आपको 10mm के मिलते हैं, तो काफी अच्छी चीज है, काफी बढ़िया है। और आपको इसमें ना ब्लूटूथ 5.0 का आपको सपोर्ट मिलता है, 10 मीटर की रेंज में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, काफी अच्छी तरीके से कनेक्ट रहेंगे।
देन आपको ना इसमें IPX5 का भी आपको सपोर्ट मिलता है, तो बारिश की बूंदे वगैरह या आप वर्कआउट वगैरह करने जाओ, पसीना वगैरह आएगा तो कोई दिक्कत वगैरह आपको फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये चीज काफी अमेजिंग है। देन दोस्तों जब आप इस ईयरबड्स को कनेक्ट करोगे ना अपने स्मार्टफोन से, मतलब पैर करोगे, तो आप इस केस के लिड को खोलोगे ना तो ये अपने आप पेयरिंग मोड में आ जाएंगे और कनेक्ट हो जाएंगे। देन आप इस केस के लिड को बंद करोगे तो ये अपने आप डिसेबल हो जाएंगे, मतलब अपने आप अनपेयर हो जाएंगे, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़ मुझे भाई, कि आपको ओपन करो पेयरिंग मोड में आ जाएंगे, उसको बंद करो तो अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। देन अब बात करें इन ईयरबड्स के साउंड के बारे में, तो देखो ना इसका साउंड क्या है, अगर आप ज़्यादा बेस बूस्ट की चीज़ें सुनना चाहते हो तो उस लाइक तो ये है नहीं, मतलब एक नॉर्मल तो बेस बूस आपको मिलेगा, बट अगर आप ज़्यादा ही तेज सुनने वाले बेस वगैरह तो वो चीज़ इसमें आपको नहीं मिलती, और सब चीज़ें आपको काफ़ी अमेजिंग मिलती है, हाई एंड लो मिड फ्रिक्वेंसी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, चीज़ें आपको इसमें काफ़ी क्लियर मिलती है, तो प्राइस सेगमेंट के हिसाब से भाई साउंड काफ़ी ज़्यादा बेटर है, मतलब इसका प्राइस सेगमेंट अगर 2,000-2,500 होता तो उस लेवल का इसमें साउंड का आपको सपोर्ट मिलता है, तो ये चीज़ काफ़ी अमेजिंग है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, जो 1500 के रेंज में मुझे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगा ये ट्रू वायरलेस ईयरबड्स, और अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, बाय करना चाहो आप बाय भी कर सकते हो, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूले, क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, नए नए प्रोडक्ट की जो लॉन्च ही हुए उनकी भी हम वीडियो लाते रहते हैं, तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो।